नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कामिल फिटनेस क्लब पर। आज का जो टॉपिक है ब्लैक फंगस, काली महामारी, जिसे म्यूकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। कोरोना के बाद ये महामारी हमारे देश की बहुत तेजी से बढ़ने वाली नजर आ रही है। इसकी चपेट में कई महानगर आ चुके हैं और इससे सबसे ज्यादा केसेस मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। इसी तरह ये हमारे पूरे देश को दीमक की तरह जकड़ रहा है। किन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ब्लैक फंगस, जानिए। सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा, आईसीयू में जो लंबे समय तक रहकर आए हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा, जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है उनके लिए खतरनाक हो सकता है। पहले मैं बताना चाहूंगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल हाई जा रहा है, लो जा रहा है, तो उसे मेंटेन करके रखें। और जो आईसीयू में लंबे समय तक रहकर आए हैं वो अपनी दवाइयां प्रिकॉशन जो भी ले रहे हैं वो कंटिन्यू लेते रहें। और थर्ड नंबर, पेशेंट जो अपने कोविड के हैं तो वो अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी कम हो रही है उसको ये पहले जकड़ रहा है। क्योंकि कोविड में हमारे को डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ये स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कीजिए, तो स्टेरॉइड्स जो होता है ना हमारी इम्यूनिटी लेवल को डाउन कर देता है, जिस वजह से हमारे को ब्लैक फंगस होने की संभावना 99% हो जाती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, शरीर पे चोट कटाफटा कहीं पर भी हो तो लापरवाही ना बरते, उसको तुरंत के तुरंत ढकें या पट्टी लगाएं उस पे। अब जानिए किन किन स्टेज में कितना खतरनाक है ब्लैक फंगस। फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले नाक में होता है। लक्षण, सर में दर्द, चेहरे पर सूजन या कालापन। सेकेंड स्टेज, फंगस नाक से आंख में पहुंचकर दिमाग को जोड़ने वाली नस को बंद कर देता है। लक्षण, आंख में दर्द, सूजन और कम दिखना। स्टेज थ्री, फंगस आपके फेफड़ों में घुसकर आपकी आंखें कमजोर कर देता है। लक्षण, दिखना कम हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और सांस को जकड़ लेगा। स्टेज फोर में आपके ब्रेन पे अटैक करेगा डायरेक्टली ब्लैक फंगस। और लक्षण, बार बार बेहोश होना, मानसिक संतुलन खराब होना। अब जान लेते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो पहला पॉइंट है ये, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, खाद मिट्टी का काम करते वक्त ग्लव्स पहनें, हाथों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोएं, नहाते वक्त साबुन से अपने पूरे शरीर को अच्छे से रगड़ कर नहाएं, अपने शरीर को पूरा ढक कर चलें, जूते पहनकर ही बाहर जाएं। अगर आप कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हैं या आप डायबिटिक पेशेंट हैं या काफी लंबे समय तक किसी बीमारी को हॉस्पिटलाइज्ड होकर आए, आईसीयू में रहकर आए हैं, और उसके बाद आपको नाक से खून आना, दांतों में दर्द, दांत निकल जाना, खून की उल्टी, सर दर्द, बुखार, मुंह के पास नीलापन, नाक के पास कालापन या ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो आप इसका घर पे कोई भी उपाय ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को सलाह लें। और इनमें कुछ स्पेशलिस्ट ही काम आ सकते हैं, जैसे कि ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इन डॉक्टरों को ही दिखाएं। और ये बीमारी जो है आपकी इम्यूनिटी आपकी कमजोर होने की वजह से ही आप पे हावी होगी। ये हर किसी को नहीं हो रही है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है या किसी बीमारी से पहले से संक्रमित है तो उनके लिए ये कारगर है। नॉर्मल आदमी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैं आपको बायो में एक और लिंक पेस्ट कर दूंगा, उस लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं मेरी एक और वीडियो है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे की जाए। तो आज आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बना के रखिएगा। ठीक है, नमस्कार।